तो जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, एरर्स इन सम और डिफरेंस, इसका हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया, एक छोटी सी बात लिखी, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले द हाइट ऑफ टू ट्रीज आर मेजर्ड टू बी L1 इज इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02 ब्रैकेट के बाहर मीटर लिखा हुआ है। जब कभी भी ऐसा लिखा जाएगा तो आप ये बात समझ जाइएगा कि मीटर जब कभी भी बाहर लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो इसका मतलब ये जो 0.02 प्लस माइनस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है एरर की इन मेजरमेंट ऑफ दिस L1। पहले ट्री की जो हाइट हमने मेजर करी है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.02 मीटर्स, इसमें यूनिट लगेगी जब भी हम एब्सोल्यूट एरर की बात करें। एंड L2 लाइकवाइज, जैसे L1 मेजर किया, L2 इज इक्वल टू 0.6.4 प्लस माइनस 0.01 मीटर्स। कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट्स। सम पूछा है, सम ऑफ लेंथ पूछा है, यानी अगर सम ऑफ लेंथ को अगर हम L से या LS से डिनोट कर दें तो वो होगा L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये LS जो होगा इसकी वैल्यू हमसे निकलवाई है, इसके अंदर एरर भी हमसे पूछा है। याद रखिए, न्यूमेरिकल में जब तक स्टेट ना किया जाए, कोई चीज ना बताई जाए, तो जैसा एरर दिया हुआ है वैसा ही एरर हमें बताना है। यानी एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है तो हमें एब्सोल्यूट एरर ही बताना है, पर यूनिट या परसेंटेज एरर नहीं बताना। इन दोनों ट्रीज की जो लेंथ है उनको जोड़ देते हैं, या हम नीचे लिखते हैं LS प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा LS, ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.2 प्लस माइनस 0.02 प्लस दूसरा जो एरर है, दूसरी जो लेंथ हाइट है वो है 6.4 प्लस माइनस 0.01 मीटर्स। ठीक है, ये सभी कुछ मीटर में है तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगा के यहां मीटर लगा देता हूं। अब सवाल ये आता है कि हमें इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 10.2 और 6.4 कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 16.6 हो जाता है, प्लस माइनस 0.02 और 0.01 इनको हम जोड़ के लिखेंगे 0.03। दिस इज द आंसर फॉर द एडिशन ऑफ हाइट ऑफ द टू ट्रीज। दोनों ट्रीज की जो हाइट का एडिशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो दूसरा पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंस की फॉर्म में निकालना है। तो डिफरेंस के लिए मैं सॉल्यूशन यहां पर कर देता हूं फॉर डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सपोज उसको हम लिख देते हैं LD से डिनोट कर देते हैं। तो LD किसके बराबर है, L1 माइनस L2, जो बड़ी वाली लेंथ थी उसी में से हम छोटी वाली घटा देते हैं, तो 10.2 इज लार्जर देन 6.4, तो इस तरीके से हम घटा देते हैं। ये L1 किसके बराबर है, ये है 10.2 प्लस माइनस 0.02 माइनस, माइनस मैंने यहां लिखा है, वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 6.4 प्लस माइनस 0.01। ठीक, इस माइनस को इसके सामने लिखना ज्यादा मुनासिब लग रहा है, इसमें से ये घटाना है, 10.2 में से जब 6.4 घटेगा तो ये हो जाएगा 3.8। ठीक है, प्लस माइनस, अब इसमें से ये घटाना है या जोड़ना है, याद रखिए डिफरेंस हो या सम हो हमें एरर को या एब्सोल्यूट एरर को जोड़ना ही होता है, और एब्सोल्यूट एरर बदलेगा नहीं, और LD यानी डिफरेंस के केस में भी सम जैसा ही एरर आएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ये आंसर है डिफरेंस वाले केस का और ये आंसर है सम वाले केस का। डिफरेंस वाले केस में जो एक्चुअल लेंथ है या जो जिस लेंथ के लिए श्योरिटी है कि ये इसके आगे पीछे ही होगी गड़बड़ जो भी कुछ होगी, उसमें से बड़ी लेंथ में से छोटी लेंथ हम घटा देंगे लेकिन एरर को हमेशा जोड़ेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हमेशा जोड़ेंगे, आंसर आएगा एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में। ओके, इसको नोट कर लीजिए।